डुग्गर प्रदेश को मिल ही गया पहला वॉइस ऑफ डुग्गर। कुमार रघुवंशी बने वॉइस ऑफ डुग्गर के विजेता, 3 लाख के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ओ पंछी बोल तो क्यों नहीं, पंछी बोल ठंडे पानी है, ओ पंछी बोल ठंडे पानी मेरो अजे नहीं मुड़ियो हानी, पंछी बोल तो क्यों नहीं, ओ पंछी बोल तो क्यों नहीं। दैनिक स्टार समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। वॉइस ऑफ डुग्गर का कार्यक्रम जो है यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और जम्मू कश्मीर में यह पहला कार्यक्रम है जो वॉइस ऑफ डुग्गर के नाम से काफी मशहूर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के दौरान जो मुख्य अतिथि थे आज, वो थे जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्री श्यामला शर्मा, उसी के साथ एक सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा, उसी के साथ पद्मश्री प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही जी और दैनिक स्टेट समाचार के मुख्य संपादक व इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर दैनिक स्टेट समाचार के शमशेर सिंह चाड़क मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गायकों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि सोनाली डोगरा, चमन लहरी जैसे जम्मू कश्मीर के जो सितारे कहूंगा मैं, वो इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी अपना गायन गा के लोगों को काफ़ी खुश किया। और उसके साथ ही वॉइस ऑफ डुग्गर जो मुख्य कार्यक्रम था, उसके विजेता जो हैं, उसके विजेता कुमार रघुवंशी को चुना गया और रघुवंशी को 3 लाख का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ जो उप विजेता रहे वो थी निशु जसोत्रा और उन्हें 1 लाख का पुरस्कार मिला है, और जो तीसरे नंबर पर रहे हैं कुमार अर्जुन, इन्हें 50,000 का पुरस्कार मिला है। तो स्टेट समाचार मीडिया पार्टनर के तौर पर इनके साथ था और हमारी शुभकामनाएं इन सभी विजेताओं को हैं। तो आइए दिखाते हैं ये कार्यक्रम की किस तरह से हुआ। कन्ने गए आई चुके दिन स्टेज पर सुगम बना रहे होते, रोशन बना रहे हो, जो सेमीफाइनल एक बड़ी बड़ी हेल्प, बड़ी बड़ी सपोर्ट की है। जी प्रभारी हिंदू जागरण मंच उधम खुर्रामबर, और ये मुझसे पहले भी सुनाया कि इन्हें बारी नजर रख दिया कुसुम शर्मा अंतरा जी की साहित्य इकाई दिया अध्यक्ष भी रही हैं, तो इन्हें देवेंद्र और गाथ रहे हैं और ऐसे देखिए अच्छे ह्यूमन बींग ताली है, ताली की आवाज़ आती रहनी चाहिए। मैंने पूरा डायरेक्शन एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम किया, चाहे कोई भी एमरजेंसी हो, राती हो, सवेर हो, दोपहर हो, जिले असें सारे पता है कि खाली पेट के भजन भी नहीं होता है, तो जिधर प्रोग्राम करना है या कोई भी असिपलिन जोधा तालियां इंडिया से भी उधमपुर का मार वसु उधमपुर का नसीम अख्तर जी उड़िया, प्रदीप कुमार, वसुधा आनंद, क्या बात है, एक एक प्रोडक्ट चेंज क्या बात है, फटाफट से भी आई जाना है। के बारी आती है सारे
भरा साढ़े अतिथि के को फटाफट सम्मान प्राप्त करना है। पता कि शायद मेरे को कुछ गलत नहीं कर छोड़ा, पार्टिसिपेट किया, कई पैदल चली आए, सुनने होंगे जजेस कितना बहुत कुछ गाने लिया दे रहे हो, ऐसे कदम सुनने के भी नहीं आए। सर, वॉइस ऑफ डुगर एक संगीत प्रतियोगिता जो कि पिछले आप एक साल से देख रहे थे, मार्च 2022 में शुरू हुई थी, तो ये एक सीरियल वाइज चल रही थी। पहले इसका ऑडिशन हुआ, फिर मेगा ऑडिशन हुआ, उसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल हुआ, फिर सेमीफाइनल हुआ, तो इस ऐसे करके 102 इसके एपिसोड जो है वो पूरे बनाए गए और ब्रॉडकास्ट किए गए। पर ऑन ग्राउंड एक प्रतियोगिता चल रही थी और उसको हम रिकॉर्ड करके लोगों को दिखा भी रहे थे, क्योंकि हम सभी तक इसको पहुंचाना चाहते थे। तो ये हमारे एंडिंग दिसंबर 2022 में ये प्रतियोगिता हो गई थी, पर तब से अब तक हमें अरेंजमेंट करने में लग गया, तो आज वो रिज़ल्ट निकाला गया है। वॉइस ऑफ डुग्गर का रिज़ल्ट आउट हुआ है और जो भी उसके विनर्स हैं आज वो घोषित कर दिए गए हैं। आदरणीय श्यामलाल शर्मा जी, जो हमारे पूर्व मंत्री जी, उनके हाथों शिव निर्मोही जी यहाँ पे आए थे और काफ़ी सारे जो कलाकार यहाँ पर आए थे। सर, जिस तरह से डोगरी भाषा को लोग भूल रहे हैं, तो अब उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे डोगरी भाषा को लोग भूल रहे हैं, तो उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि हम डोगरी च गल करने, ठीक है ना, तो अस ये है कि डोगरी च गल करगे अगर अस, तो वो अपने आप गै ठीक हो जाना, ताकि सारे बच्चे डोगरी लगी पवन बोलना। अस जो चमन लहरी और डोगरी च गा करते हैं, अच्छा गा करते हैं, अस आ सकने बच्चे, महाराज सारे बच्चे हिंदी बोला दे, पर उन्हें उंदे कन्नै अस डोगरी नहीं बोलते, तो उन्हें अपना कुत्थुआं डोगरी सीखनी है? मतलब कोई बोलता लब्भे उन्हें, तो उत्थुआं वो इमिटेट करंगन ना, उत्थुआं नकल करंगन। जियां हुण चमन लहरी होर भी इंग्लिश गाना गाई सकदे, ते इन्हें तो गाना सुरे च गा, क्योंकि ते आर्टिस्ट न, ते इंदे जिहड़े फॉलोअर बनने, तो उन्हें फिर इंग्लिश च गाने, उन्हें सुर च अगर गोजरी च गाँगन तो इंदे फॉलोअर ने गोजरी च गाने। आखना मतलब है कि जिस भी स्ट्रीम बिच, जिस भी भाषा तुस काम करगे, वो काम अच्छा होग, उत्कृष्ट होग, तो उसके फॉलोअर्स अपने आप बनी जाने और उसी लोगों अपने आप सीखने की कोशिश करनी, क्योंकि अच्छी चीज़ हर कोई जुड़ना चाहता। जी बिल्कुल, वॉइस ऑफ डुग्गर सर कितना कारगर साबित हो सकता है डोगरी कल्चर की बचाने वास्ते, डोगरी भाषा की? नहीं, ये फैसला तो तुम लोग कर सकते हो कि कितना कारगर साबित होआ दा, क्योंकि अस आपूं गै कटघरा च खड़ोइए अस अपनी जजमेंट आपूं नहीं देई सकते, पर तुम इन्हें पार्टीसपेंट्स को भी वाइट्स ले सकते हो कि तुम्हें कैसा लग्या है, कि वो असली ये हटके रहेगा। सर, जिस तरह से युवा इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोई भी आदमी को नशे की तरफ जाता है, जब कोई भी गलत तरह की तरफ जाता है, दैट मीन्स वो बिजी नहीं है, मतलब उसके पास टाइम है फालतू, है ना। तो जिस वेले तुस अपने आप की थोड़ा इंगेज रख के, ठीक है ना, तो नैचुरली तुसें दुए चीजें आस्ते कोई टाइम नहीं थोना, तो यह है कि उसे आस्ते इंगेज होना जरूरी है। तो वो पेरेंट्स की बड़ी बड़ी उसकी जिम्मेदारी है, और जेड़े भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें कोई लीडर्स हैं, जेड़े कोई जो कोई समाज सेवक जेड़े लोग हैं, ये उनका सारे का काम है कि वो एक अवेयरनैस ऐसी रखन जिहदे कन्ने पॉजिटिविटी रहे, और लोग गलत आला पासे जाने की सोचना जरूर, उनके कोल इन्नी फुरसत ही नहीं हो। सर, अगर जीते हैं तो खुशी नहीं, अगर हारते भी तो भी दुख भी नहीं होता, क्योंकि ये हमारी मेहनत होती है। और सर्वप्रथम तो मैं अपने उस्ताद श्री चमन लहरी जी, जिनके बदौलत आज इस मुकाम को हासिल किया है, तो गोजरी संग जो गाया था, हो पंछी बोल तो क्यों नहीं, हो पंछी बोल तो क्यों नहीं, पंछी बोल तो क्यों नहीं, हो पंछी बोल तो क्यों नहीं, पंछी बोल ठंडे पानी है,
ओ पंछी बोल ठंडे पानी मेरो अजे नी मुड़ियो हानी पंछी बोल तो क्यों नहीं ओ पंछी बोल तो क्यों नहीं। यूथ के लिए यही मैसेज है कि सबसे पहले तो सबको अपने अपना गुरु जरूर करना चाहिए ना, क्योंकि जब तक गुरु का हाथ सर पे ना हो तब तक बंदा अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। तो आज मेरे सिर पे अपने गुरु जी का हाथ था उस्ताद चमलहरी जी का, तो मैंने अपनी मंजिल को हासिल किया। तो